हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे ज्ञानदेव यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो काफी रोचक और काफी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अभी जस्ट आप सभी का 10वीं का 12वीं का रिजल्ट आके गया हुआ है और आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिले होंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये उन्हीं जो है मेरे दोस्तों के लिए है जिन्होंने 10वीं का एग्जाम दिया हुआ है, 12वीं का एग्जाम दिया हुआ है और जो आगे एडमिशन के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए खास मेरा वीडियो है। दोस्तों, क्या आप स्टेट बोर्ड से हो? क्या आप CBSE बोर्ड से अपने एग्जाम दिया हुआ है? क्या आप CISE बोर्ड से हो? चाहे आप IB या IGSE बोर्ड से हो? ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए जो इन बोर्ड से पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आप ऑनलाइन अपना फॉर्म कैसे भर सकते हैं। सब्सक्राइब करिए ज्ञानदेव यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके आल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको सभी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, ऑनलाइन एडमिशन कैसे लेना है, मनपसंद कॉलेज किस तरह चयन करना है, ये सभी जानकारी घर बैठे उनको मिल सके। इसलिए दोस्तों, जल्द से जल्द मेरे इस वीडियो को उन तक पहुँचाने का आप एक शुभ काम कर सकते हो। तो दोस्तों, कमेंट करिए कि अगर आपको मेरे इस वीडियो से आपको सहायता मिली हो तो आप जो है धन्यवाद करके लिखिए। और चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं यहां पर अपने जो है डैशबोर्ड पे आ गया हूं जहां से आप सभी को अपने 12th, 11th या फिर आगे की एडमिशन का प्रोसेस आपको करना है। तो दोस्तों, इसका मैं लिंक आपको नीचे में दे दूंगा। मैं अब वहां पर क्लिक करके आप जो है 11th के एडमिशन के लिए आप प्रोसेस कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो ये गवर्नमेंट महाराष्ट्र ऑफ द गवर्नमेंट का ये साइट है और जहाँ पर आपको जो है 10th के बाद आपको एडमिशन के लिए ये फॉर्म भरना कंपलसरी है। और यहाँ पर हेल्प नंबर भी दिया गया है, अगर आपको कोई डाउट हो वहाँ से आप पूछ सकते हो, आप मेल भी कर सकते हो। तो हमें आ जाना है स्टूडेंट रजिस्टर में और यहाँ पर पहला आपको ऑप्शन क्या दिया गया है, विद इन मुंबई एरिया। अगर आप मुंबई में ही रहते हो, मुंबई से ही अपने एग्जाम दिया हुआ है, आप आउट ऑफ स्टेट नहीं हो तो यहाँ पर आपको जो है चेक मार्क करना है, टिक मार्क करना है। या आप जो है आउटसाइड रहते हो, मतलब महाराष्ट्र में ही रहते हो लेकिन आप जो है आउटसाइड रहते हो और एग्जाम यहाँ पर दिया है तो ये ऑप्शन उनके लिए है। जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र, आप महाराष्ट्र में ही नहीं हो लेकिन आपने फिर भी 10वीं का एग्जाम दिया हुआ है, उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए ये ऑप्शन उनको सिलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों, मेरे केस में मैं विद इन मुंबई एरिया में हूँ, मुंबई एरिया में रहता हूँ और यहीं के कॉलेज से मैंने 10वीं किया हूँ तो मैं यहाँ पर जो है पहले ऑप्शन की तरफ जाऊँगा, तो जाऊँगा विद इन मुंबई एरिया। तो दोस्तों, मेरा सेकेंड यहाँ पर ऑप्शन है, क्या मैं फ्रेशर हूँ, मैं क्या मैंने जस्ट अभी 10वीं पास किया हुआ है, राइट। तो पहला ऑप्शन मेरे लिए है। हाँ, अगर मैं जो है रिपीटर हूँ, मैं फेल हुआ हूँ, दोबारा री एग्जाम दिया हूँ तो उसके लिए मैं सेकेंड ऑप्शन में जाऊँगा मैं। या फिर मैंने एक साल का जो है मैंने गैप किया हुआ है, अब मैं एग्जाम दे रहा हूँ मैं, तो उसके लिए मैं थर्ड ऑप्शन में मुझे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं अपने केस में एज ए फ्रेशर को मैं लेके चल रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं फ्रेशर को चेक मार्क कर दूंगा मैं, टिक मार्क कर दूंगा मैं। अब यहाँ से आप किस बोर्ड से आपने एग्जाम दिया है, आपने 10th पास किया हुआ है, यदि आप 10वीं जो है महाराष्ट्र बोर्ड से किए हो तो आपको पहले ऑप्शन जाना है, यदि आपने CBSE से किया हुआ CBSE ऑप्शन जाना है, या आपने CISE जो है बोर्ड से किया हुआ तो थर्ड ऑप्शन में आपको जाना है, या फिर आपने IB से किया हुआ है तो IB से आप ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, या आपने IGSE से आपने किया हुआ है तो आपको इस ऑप्शन में, या NIOS या एनी अदर कुछ रहेगा तो आप वो ऑप्शन से यहाँ पर आप जा सकते हो। तो दोस्तों, मेरे केस में मैंने SSC बोर्ड से मैंने किया हुआ है तो मैं यहाँ पर जाऊँगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको जो 10th का जो सीट नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना रहेगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर सीट नंबर डालोगे, गेट SSC कोड करोगे तो यहाँ से आपका सारा डिटेल इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं फटाफट जो है अपना सीट नंबर में इंटर कर रहा हूँ मैं, और आप भी अपने तरफ से आपका भी जो सीट नंबर होगा वो आपको यहाँ पर डाल देना है, और डालने के बाद आपको जो है यहाँ पर जो है आपको कोड पर क्लिक कर देना है। अगर ये आपका गलत रहेगा तो ये आगे प्रोसेस नहीं होगा, ये ध्यान रखना है कि अगर गलत हुआ तो आपको उसे प्रॉपर आपको चेक कर लेना है, जहाँ पर भी आपका मार्कशीट रहेगा चेक कर लेना है
उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर आपको यहाँ पर डालना रहेगा आपका सीट नंबर। तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर डाल दिया है, जैसे भी कोड किया तो यहाँ पर बोला कि वेरीफाई और सारा डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको शो ऑफ हो जाता है। तो अब देख रहे हो, चेक कर पा रहे हो, सारा डिटेल इंफॉर्मेशन आ गया है। अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है जिस पर आपको OTP जाएगा और OTP में आपको लॉगिन ID आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन का मिल जाएगा। तो चलिए जो है मैं यहाँ पर OTP डाल देता हूँ, जिस जो है स्टूडेंट का ये मैं फॉर्म भर रहा हूँ, मैं उसका यहाँ पर जो है मैं मोबाइल नंबर एंटर कर ले रहा हूँ। और आप भी अपने तरफ से अपना पर्सनल मोबाइल आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो, या फिर आप अपने पापा या मम्मी का भी नंबर आप ले सकते हो एज अ मोबाइल नंबर के जगह पर। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है, आपको ईमेल आईडी डालना डाल सकते हो, और बाद में आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कोई कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको इसमें जो सही लगता है आप इसमें कोई भी ऑप्शन जो है ले सकते हो। फिलहाल मैं फेवरेट गेम की तरफ जाता हूँ, जहाँ पर मैंने डाल दी यहाँ पर एज अ क्रिकेट, क्योंकि ये इजी होता है और कोई इसको भूलता नहीं है, तो मैंने वही पर यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है जो आपको याद होना चाहिए, और ऐसा पासवर्ड जो ईजी भी हो, तो वैसा पासवर्ड आप भी अपने तरफ से डाल सकते हो, राइट। लेकिन इस एक बात का ध्यान रखना है, पासवर्ड स्टार्टिंग का कैपिटल हो और बीच में स्पेशल कैरेक्टर हो और लास्ट में नंबरिंग होना चाहिए, ऐसा कुछ आपको डालना होता है। तो यह डाल करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हो कि डियर अपना स्टूडेंट का नाम आ गया है और रजिस्ट्रेशन हो गया है, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर अपने बुक में लिख लेना है, या फिर आपको आपके मोबाइल नंबर जो आपने वहाँ पर डाला था तो वहाँ पर भी आपको जो है मैसेज के थ्रू आपको आ जाएगा। यदि नहीं आता है या नेटवर्क इश्यू होता है तो आपको सबसे अच्छा है कि आप जो है नोट डाउन कर लीजिए, राइट। अब नोट डाउन कर लेंगे तो आपको ईजी रहेगा, अगर आपको मैसेज थोड़ा लेट भी आता है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं अपने केस में जो है इसे नोट डाउन कर लेता हूं मैं, ताकि मैं इसको इजीली मैं इसको यूज़ कर सकूं। तो हो सकता है कि मुझे कुछ नेटवर्क इश्यू होने के कारण मैसेज ना आए, तो उसे सेफ एंड साइड मैंने जो है इस चीज़ को मैंने अपने बुक में नोट कर लिया है। तो दोस्तों आप भी अपने तरफ से इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पर करूँगा प्रोसेस टू लॉग इन, राइट। आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट भी कर सकते हो, या आपको लॉग इन करना है तो आप लॉग इन भी यहाँ पर कर सकते हो। तो जो वहाँ पर आपको एक्सचेंज कोड आपको मिला था, लॉगिन आईडी आपको मिला था, जो आपको मैसेज आया हुआ था, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर डाल करके, और जो आपने पासवर्ड अभी डाले थे, जो बनाए थे, वही पासवर्ड आपको नीचे डालना है और आपको कर लेना है लॉगिन। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर पासवर्ड और लॉगिन यहाँ पर कर लिया है। तो यहाँ पर मेरा जो है स्टूडेंट का सारा डिटेल इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, और नीचे आप देख सकते हो ये एप्लीकेशन फॉर्म कैसा है, अभी इनकम्प्लीट है, क्योंकि मैंने अब तक इसको कम्प्लीट किया हुआ नहीं है। तो आपको जो है इस तरह इसको कम्प्लीट कर लेना है। अब मैं यहाँ पर जो है अपना पुराना मुझे फॉर्म जो भरा था वो चेक करना है, चेक कर सकते हो। नीचे में यहाँ पर आ गया है, राइट। यहाँ पर मुझे जो है सारा एड्रेस फॉर्म एप्लीकेशन डिटेल्स सब यहाँ पर दिया गया है, आपको चेक कर लेना है सब। अगर आपका राइट है तो इसमें आपको चांस नहीं होता है कि आप उसको दोबारा फिलअप कर सको, राइट। खाली आपको यहाँ पर रीचेक करना होता है, डेट ऑफ बर्थ चेक करना होता है, जेंडर चेक करना होता है, नाम मम्मी का नाम सब चेक करना होता है, ठीक है। स्कूल का नंबर वगैरह USID नंबर आप चेक कर सकते हो, उसका नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पर आपको अपने घर का प्रॉपर एड्रेस आपको डालना होता है, जहाँ पर आप रह रहे हो अभी, आप वहाँ का यहाँ पर जो है एड्रेस आप डाल सकते हो, ओके। तो चलिए जो है मैं यहाँ पर जो है अपने जिसका मैं सीट नंबर यूज़ कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट का, उसका मैं एड्रेस यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। आप भी अपने एंड से अपना घर का एड्रेस जहाँ पर आप रहते हो वहाँ का प्रॉपर एड्रेस आप फिल कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एड्रेस जो फिल कर दिए हैं, उसके बाद मेरा यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है मैंने डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर ले लिया हूँ, तालुका जो रहेगा तालुका ले लूँगा मैं, और जो मेरा सिटी टाउन रहेगा वो यहाँ पर मैं उसे भी लिख लूँगा मैं, ओके। नीचे से वही सेकंड मोबाइल नंबर या लैंडलाइन वगैरह आपको ईमेल आईडी आपको खुद डालना है तो डाल सकते हो,
और ध्यान देना पूरा आपका फिलअप होना चाहिए, कोई भी चीज़ आपका छूटना नहीं चाहिए। जो रेड स्टार दिया गया है वो रेड स्टार वाला आपको भरना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पर पिन कोड भूल गया था मैं, दोबारा इसको एंटर कर देता हूँ मैं और मैं करूँगा सेव एंड नेक्स्ट। ओके तो दोस्तों मैं आ गया नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर आपको डालना है कि आप ओपन कैटेगरी से हो या फिर आप कास्ट से हो, तो आप चॉइस कर सकते हो। मेरे केस में मैं ओपन में कर रहा हूँ मैं, राइट। अगर आप हैंडीकैप हो तो हैंडीकैप का आपको जो है यस और नो कर देना है, यदि आप नहीं हो तो आप नो कर दीजिए। अगर आप जो है कोई अर्थक्वेक से आप फंसे हुए हो तो आप वो ऑप्शन कर सकते हो, नहीं है तो नहीं कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन आपको नहीं दिया जाता है। फोर्थ ऑप्शन आपके ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर हैं, राइट। अगर नहीं है तो यस करो, नहीं तो नो कर दो। अगर आपके परिवार में फैमिली में कोई गवर्नमेंट सर्विस है उसमें यस नो कर सकते हो, या आप स्पोर्ट का आपका कैटेगरी है तो उसमें आप यस नो कर सकते हो, या आप यहाँ प्रॉपर आप रीड कर सकते हो। आपको जो भी आपके अकॉर्डिंग आपको सही लगता है आपको यस कीजिए, अगर नहीं लगता है तो आप नो कर दीजिए। अगर आप माइनॉरिटी कोटा से हो तो आप यस नो वहाँ से कर सकते हो, राइट। तो आपको जो भी आपका रहेगा इंफॉर्मेशन प्रॉपर फिल कर पढ़ करके आप उसको फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका सारा डिटेल इंफॉर्मेशन आ जाएगा, तो चेक करके आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है प्रोसेस लगभग खत्म हो गया है। अब आपको 225 का वो पेमेंट करना है। हाँ दोस्तों 225 का आपको पेमेंट करना है। ऊपर सब आप डिटेल इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, या फिर आपको UPI का भी आपको ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको छोटा सा सर्कल दिया जाए, क्लिक करना है और प्रोसेस कर देना है। और प्रोसेस करने के बाद डिटेल इंफॉर्मेशन पढ़ करके फिर आपको प्रोसेस कर देना है। अब यहाँ पर आपको कई ऑप्शन मिलते हैं, नेट बैंकिंग मिल जाते हैं, डेबिट कार्ड के मिल जाते हैं, क्रेडिट कार्ड के मिल जाते हैं, UPI के मिल जाते हैं, और कुछ वॉलेट है तो वॉलेट के थ्रू आप जो है आप पेमेंट आप जो है कर सकते हो। आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे ईजी का प्रोसेस माना जाता है तो UPI माना जाता है। तो आप यहाँ से जो है अपने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जो भी आप UPI यूज़ कर रहे हो वहाँ पर आपको जो है उसका डिटेल इंफॉर्मेशन डालना है। डालने के बाद आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। जैसे पे नाउ पर क्लिक करोगे तो आपके जो है उसी ऐप पर एक आपको पॉपअप पेमेंट का पॉपअप मैसेज आएगा 225 का, वहाँ से आप पेमेंट कर दोगे। पेमेंट करने के बाद यहाँ पर इस एंड में इस वेबसाइट पर आपका पेमेंट हो जाएगा और पेमेंट स्लिप भी आप जो है प्रिंट कर सकते हो, राइट। तो आपका यहाँ तक प्रोसेस हो गया है। प्रोसेस होने के बाद आपको फाइनल प्रिंट ऑप्शन आपको दिखाई देगा और वहाँ पर आपको अनलॉक का और लॉक का सिस्टम रहेगा, तो वहाँ पर आपको अपने फॉर्म को लॉक कर देना है, राइट। अब ये अनलॉक आपका आपको तभी करना है जब आपको इसका नेक्स्ट स्टेप जहाँ पर कॉलेज और सब्जेक्ट आपको चूज करने रहेंगे वो नेक्स्ट स्टेप यूज़ करने के लिए आपको फिर उसको अनलॉक करके आगे प्रोसेस करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अभी वो प्रोसेस अभी हुआ नहीं है, अभी वो अभी सेकंड ऑप्शन आया नहीं है, तो वो चीज़ हम आपको नहीं करके दिखा पा रहे हैं। हाँ दोस्तों अगर आपको चाहिए कि मैं उसका भी एक वीडियो बना के आपको दिखाऊं मैं, तो दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों इसका मैंने फॉर्म तो सारी डिटेल इंफॉर्मेशन फिल कर दी है। अब इसका फॉर्म सब कुछ फिलअप करने के बाद वो किस तरह दिखाई देगा, अब वो चीज़ हम जो है यहाँ पर उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों आप जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर जो है इस तरह आपको जो है सारा पेमेंट करने के बाद इस तरह का आपको जो है फॉर्म दिखाई देगा, आपका डिटेल इंफॉर्मेशन दिखाई देगा जो आपने फिलअप किया रहेगा। इसे जो है अपने पास रखना है और बाद में आपको जो है इसका ही आपको यूज़ करके इसका नेक्स्ट स्टेप आपको भरना रहेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इजीली अपने 10th का आप जो है डिटेल इंफॉर्मेशन आप ऑनलाइन फॉर्म आप भर पाओगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे चीज़ नहीं समझ में आया है, क्या कैसे करना चाहिए, तो मैं वहाँ पर आपको जो है समझा दूँ।